आईपीएल 2022 में विराट कोहली का खराब फॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक समय वर्ल्ड क्रिकेट में अपने बल्ले से पूरी दुनिया पर राज करने वाले किंग कोहली इस समय अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसे लेकर कई तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने भी विराट को अपनी नसीहत दे डाली है और कोहली के खराब फॉर्म को लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो आखिर विराट कोहली के फॉर्म को लेकर शोएब अख्तर ने क्या कहा है, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली का संघर्ष आईपीएल 2022 में जारी है। इस सीजन कोहली 12 पारियों में सिर्फ 216 रन बना पाए हैं, जहां इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला है। वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 111 के करीब का रहा है, जबकि इस पूरे सीजन में विराट कोहली 3 बार गोल्डन डक का शिकार हुए हैं। रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक बार फिर किंग कोहली का बल्ला पूरी तरीके से फ्लॉप रहा और वो पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, जहां आईपीएल में 2008 से लेकर 2017 के दौरान सिर्फ 3 बार विराट अपनी पारी की पहली गेंद पर आउट हुए थे, वहीं साल उन्होंने एक ही सीजन में 3 दफा ये अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। इसके अलावा अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए 2021 में कप्तानी छोड़ने वाले विराट से इस सीजन कई बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस सीजन विराट 5 बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट लगातार दूसरी बार गोल्डन डक का शिकार हुए हैं और विराट का खराब फॉर्म अब पूरे भारत के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। वहीं कोहली को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर ने भी अपनी एक नसीहत दी है। दरअसल शोएब अख्तर ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा है कि विराट अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, इसी वजह से उनका प्रदर्शन खराब हो रहा है। हालांकि शोएब ने यह भी स्वीकार किया कि विराट जैसे बल्लेबाजों को पता होता है कि उन्हें वापसी कैसे करनी है। शोएब ने अपने बयान में कहा है कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी हैं, उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इससे पहले आईपीएल में जो किया है उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी फॉर्म खराब हुई है। उन्हें सिर्फ मैदान में जाकर खेल का मजा लेने की जरूरत है। वो रन बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं विराट कोहली हूं और मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो पहले करता था। यही वो समय होता है जब आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ इंसान हैं। गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन विराट जैसे दिग्गज को पता है कि वापसी कैसे करते हैं। आपको बता दें, आईपीएल 2022 के शुरुआती मैचों में विराट आरसीबी के लिए तीसरे नंबर पर खेल रहे थे। उन्होंने 2 बार 40 का आंकड़ा पार किया, लेकिन पुरानी लय में नहीं दिखे। कभी उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने में समस्या आई तो किसी मैच में बड़े शॉट खेलने में नाकाम हो रहे थे। इसके बाद 2 मैचों में विराट खाता भी नहीं खोल पाए और इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करना शुरू किया। यहां उन्होंने सीजन का पहला अर्धशतक तो लगाया, लेकिन वो भी विराट के अंदाज में नहीं आया, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को शोएब अख्तर की सलाह मानकर अपने खेल को बदलने की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।